देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। खरगोन में लकड़ी पर कपड़े की झोली बनाकर 60 साल के बीमार बुजुर्ग को झोली में डालकर इलाज कराने 10 किलोमीटर पैदल चले ग्रामीण, रास्ते में मौत, वायरल हुआ वीडियो। पहाड़ी क्षेत्र होने से नहीं है रास्ता, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचती। खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर बड़वाह विकासखंड के ग्राम पंचायत बड़की चौकी के देवगढ़ गांव के 60 वर्षीय बुजुर्ग कृपाल वारिया के अधिक बीमार होने पर ग्रामीण बुजुर्ग को कपड़े की झोली में डालकर पैदल ही चल दिए। एक लकड़ी पर झोली बांधकर करीब 5 ग्रामीण पहाड़ी के पगडंडी के रास्ते 10 किलोमीटर दूर बागौद के लिए रवाना हो गए। ग्राम पंचायत बड़की चौकी के सरपंच छन्नू लाल वर्मा ने बताया, 70 साल बाद भी हमारे गांव पहुंचने के लिए रास्ता नहीं बना, हमें बीमार या गर्भवती महिला को इसी तरह से झोली बनाकर ले जाना पड़ता है। हमारे गांव से बागौद का हॉस्पिटल करीब 10 किलोमीटर दूर है। 600 की आबादी वाले देवगढ़ गांव में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंचती। सरपंच ने कहा, सुबह से बीमार बुजुर्ग कृपाल वारिया को झोली बनाकर निकले थे, पहाड़ी पथरीला रास्ता पार कर मंडलेश्वर के पास पहुंच गए थे, लेकिन रास्ते में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। सरपंच ने कहा, लंबे समय से मार्ग बनाने की मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बड़वा विकासखंड का देवगढ़ गांव है, जहां गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। एक बुजुर्ग को झोली बनाकर ला रहे थे और रास्ते में उसकी मौत हो गई है। ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये मेरे संज्ञान में नहीं है, मतलब मीडिया के माध्यम से अभी अवगत कराया गया है। ये DMO बड़वा के माध्यम से इसके बारे में संज्ञान में लिया जाएगा कि मामला क्या है, उसके बाद कार्रवाई होगी। हाँ, उसके बाद जो भी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है उस एरिया में, कारण किन कारणों से ऐसा लाया गया कि 10 किलोमीटर पैदल उसका वहन किया गया मानव द्वारा, इसका पता लगाएंगे।